और चलिए रुक करते हैं खबरों का। सरकार की कई योजनाओं को कार्य में लाने के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास RVS और जिला पंचायत के माध्यम से होता है। जहां कोरोना काल की पहली लहर के बाद शासन की मंशा थी कि सभी को 100 दिन का रोजगार मिले, लेकिन ठीक उसके उलट ही मनरेगा RVS विभाग के कमाई का माध्यम बन गया, जिसके चलते लाखों के कामों को सीधे वर्क ऑर्डर करके कमीशन का खेल खेला जा रहा है। बता दें कि ग्राम पंचायत चंद्रहे में 2020 से हो रहे वृक्षारोपण कार्य में आज भी गड्ढे खाली पड़े हैं और पेड़ों का कुछ अता पता ही नहीं। राजस्व विभाग है ये? नहीं नहीं, काम कौन करवा रहा है? ध्रुव पंडित करवा रहे हैं। कब से काम बंद है ये? बंद तो चालू ही है। तो अभी तो इसमें गड्ढा बस खुदा है जी? तो 5-6 महीना हो गया ना उसका गड्ढे को, मतलब कि खोदे हुए 5-6 महीना हो गए और अभी फिलहाल काम बंद है। बंद है। ये बालू कहाँ से आता है? बालू नदी से, सोन नदी से आता है। इसी के लिए रखा गया है गौशाला के लिए। अच्छा, और वृक्षारोपण का काम किसने करवाया था? वो ध्रुव पंडित, उन्हें ने करवाया था। अच्छा, तो बोर एक ही जगह हुआ है, दोनों जगह हुआ? इधर तो 4 जगह हुआ, लेकिन आपके पास तो एक ही जगह हुआ। एक ही बोर से काम चल रहा है? जी जी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रियांजीवी पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रियांजीवी, बताएं इस पूरे मामले में जिस तरीके से RVS और जिला पंचायत की भूमिका नजर आ रही है, जहां काम दिया जाना चाहिए था वहां काम नहीं दिया गया और भ्रष्टाचार जोरों पर है। जी जी मैम, बिल्कुल, जैसे कि वीडियो में देखा जा रहा है साफ कि बालू अवैध रेत उत्खनन जो सोन नदी से किया जा रहा है और उसका इस्तेमाल इसमें किया गया। और पूरी आपको जानकारी बता दें कि RVS विभाग और पंचायत की मिलीभगत द्वारा ये काम हो रहे हैं। अच्छा, जो जिम्मेदार है उनकी नजर अभी तक इस पूरे भ्रष्टाचार पर नहीं पड़ी या फिर ग्रामीणों ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की अभी तक? नहीं मैम, 181 में करते हैं, लेकिन बात यह है कि उस शिकायत को भी कटवा दिया जाता है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जो आला अफसर है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है ना, तो इस वजह से उनकी शिकायत को भी कटवा दिया जाता है। चलिए, शुक्रिया प्रियांजीवी तमाम जानकारी के लिए।